दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी बीजेपी आज जिस मकाम पर है, कल्याण सिंह उसे सींचने वालों में शीर्ष के नेता थे। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा सांसद कल्याण सिंह ने हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। 90 के दशक में सत्ता के गलियारों में उनकी धाक होती थी। दिल्ली से लखनऊ तक कल्याण सिंह का अपना तेवर, अपना तरीका होता था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, फिर तो भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। कल्याण सिंह का राजनीतिक सफर दशकों में फैला है। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक। ये वही दौर था जब कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे का बीजेपी का नारा बुलंद हुआ था। एल के आडवाणी की रथ यात्रा की कामयाबी कल्याण सिंह के कांधों पर थी। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते अयोध्या में विवादित ढांचे का गिरना सिर्फ बीजेपी के लिए टर्निंग प्वाइंट नहीं था, बल्कि कल्याण सिंह की राजनीतिक पारी का भी शीर्ष था। हालांकि 6 दिसंबर की घटना के बाद कल्याण सिंह की सत्ता से विदाई हो गई, लेकिन कल्याण सिंह एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वो साल था 1997। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक। हालांकि आगे चलकर बीजेपी के इस दिग्गज का पार्टी से नाता बहुत सीधा सपाट नहीं रहा। कल्याण सिंह बीजेपी में आते जाते रहे। हालांकि जिस हिंदुत्व की राजनीति के बूते बीजेपी आज देश की सबसे कद्दावर पार्टी बन गई है, उसकी नींव का निर्माण करने के लिए कल्याण सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। ये सही है कि यूपी की राजनीति में कल्याण सिंह की कभी तूती बोलती थी, लेकिन 1999 में जब कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की सार्वजनिक आलोचना की तो पार्टी ने उन्हें निकाल बाहर किया। तब अपने कद का इस्तेमाल करते हुए कल्याण सिंह ने अपनी अलग राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी बना डाली और साल 2002 में विधानसभा चुनाव में भी शामिल हुए। 2003 में वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन सरकार में शामिल हो गए थे, लेकिन कल्याण सिंह की मुलायम से ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चली। 2004 के चुनावों से ठीक पहले कल्याण सिंह एक बार फिर बीजेपी के साथ आ गए और बीजेपी ने 2007 का यूपी विधानसभा चुनाव कल्याण सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा, मगर सीटें बढ़ने की जगह और घट गई। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान कल्याण सिंह एक बार फिर से सफाई हो गए। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ कहा, बीजेपी के कद्दावर नेताओं और उनकी नीतियों की आलोचना करते रहे, लेकिन अब तक भारतीय राजनीति में कई परिवर्तन हो चुके थे। एक बार फिर से कल्याण सिंह 2012 में बीजेपी में लौट आए। 2014 में उन्हें राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया और फिर उन्हें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त भार सौंप दिया गया। कल्याण सिंह अब नहीं रहे, लेकिन भारतीय राजनीति, खासकर बीजेपी की कामयाबी का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, कल्याण सिंह का नाम उसमें सबसे आगे वालों में से होगा।